बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बाजी कुकिंग। अचानक से गेस्ट आए हैं और उनकी फरमाइश ये है कि आप हमें अपने हाथ का चना पुलाव खिलाएं, जो मैं देगी भी चना पुलाव बनाती हूँ। इसे मैंने जल्दी जल्दी मसाले पहले डाल लिए और वीडियो को स्टार्ट किया है। ये देखिए नॉर्मल सिंपल पुलाव जैसे बनता है, लेकिन देगी स्टाइल में बनता है। इधर रेनबो राइस की भी साथ फरमाइश है। ये मैंने चावल बॉयल होने के रख दी, इसमें सिरका और लीमू मैंने निचोड़ दिया है। जैसे पानी को उबाला है मैंने चावल डाल दिए। जब एक कनी रह जाएंगे इसको मैं स्टेन कर लूँगी, फिर मैं आपको इसका दिखाऊँगी कि चावल बिल्कुल नहीं टूटता। इधर चना पुलाव में मैंने प्याज ब्राउन की लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और मैंने टमाटरों को पीस के डाला है ताकि छिलके अंदर वो बिल्कुल जो है ना अंदर मिक्स हो जाए। बादियान का फूल, जायफल, जावित्री डाला है। उसकी बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त टेस्ट आता है, उसका बिल्कुल देखी स्टाइल का बनेगा। और इसमें थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा लेमन डाला है, ज़्यादा नहीं। बाकी जो छिलके हैं वो हम दम देते हुए डालेंगे। सारे मसाले डाल के हम भून लेंगे अच्छी तरह। मसाला जब मिक्स हो जाए, प्याज बिल्कुल अंदर मर्ज हो जाए, नज़र भी ना आए, और फिर हम पानी डाल लेंगे तो जितना हिसाब होता है। इधर हमारे रेनबो राइस की जो तैयारी है वो भी साथ साथ हो रही है। मैंने तीनों चूल्हे ऑन किए हैं और सब पे काम चल रहा है। इधर ये देखें स्टेन कर ली मैंने, इसका पानी बिल्कुल स्टेन हो गया है। लीमू और सिरके की वजह से देखें अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग दाना है, इसमें बिल्कुल भी वो साथ जुड़े हुए चावल नहीं है। और इनको स्टेन करने के फ़ौरन बाद आपने पंखे के नीचे इसको फैला देना है ताकि ये दाना टूटे ना। देखिए मैंने दोनों काम माशाल्लाह एक घंटे के अंदर अंदर किए। इधर मसाला भी हमारा चनों का तैयार हो गया है। मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है क्योंकि मैं चावलों को कम से कम 3 से 4 घंटे भिगोती हूँ। आप लोगों का जैसा चावल हो उसके मुताबिक आप लोग पानी इस्तेमाल करेंगे। मैं एक कप हमेशा एक गिलास कम डालती हूँ, बराबर का पानी मैं कभी नहीं डालती। चना पुलाव भी इधर तैयार है, इसकी पानी की सारी क्वान्टिटी, मसाले सब रेडी हैं, नमक मिर्च सब कुछ, थोड़ी सी इमली भी डाली है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इमली से। और इधर रेनबो राइस के घी को मैंने ऑयल को कट कराया है, वैसे ही ऑयल गर्म हुआ, उसमें चीनी डाली और दूध। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सबसे पहली वीडियो मेरी रेनबो राइस की थी उसमें बताया था कि दूध डालना है, पानी नहीं डालना। मैं दूध यूज़ करती हूँ और देखिए चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें चावल डालेंगे, और चावल डालने के बाद फिर इसकी तैयारी करेंगे। और ये देखें काले चने, ये मैं आज बना रही थी। तारी पता गेस्ट हैं उनको तो काले चने नहीं खिलाए जा सकते ना, उसने फरमाइश कर दी और मैंने फ़ौरन उसकी फरमाइश पे बना ली दोनों चीज़ें, रेनबो राइस और देगी चना पुलाव। इधर ब्लैक चने भी तकरीबन रेडी, इनकी बुनाई भी हो गई है। आप इसमें भी हम पानी डाल देंगे, जितना हमने शोरबा रखना है वो हम इसको साइड पे कर लेंगे। और ये देखें चाश बिल्कुल मेल्ट हो गई है चीनी, चने की बुनाई भी माशाल्लाह से कम्प्लीट हो गई है। और हमने ये देख मैंने चावल डाल दिए थे। अब चावलों का जब तक पानी बिल्कुल ड्राई ना हो, हिलाने नहीं है बार बार, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें चम्मच नहीं फेरना, चावल टूटता बस एक दफ़ा डाल दिए, 2 से 3 दफ़ा पलटा दें। स्पैचुला मैं यूज़ करती हूँ इसके लिए, और मैंने कलर एक साइड पे सारे घोल लिए हैं, ऑरेंज कलर है और ये रेड कलर है और ग्रीन कलर है। और एक एक टी एक एक चम्मच दूध लेके उसमें मैं घोलती हूँ। मैं पानी में कोई मतंजन के अंदर यानी कि रेनबो राइस में पानी यूज़ नहीं करती, एक दफ़ा बॉइलिंग में हो गया सो गया। अब केवड़ा सेंस डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप उसके डालेंगे और साइड से चम्मच के साथ हम देखेंगे जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए फिर कलर डालना है, वरना कलर अदरवाइज़ फैल जाता है। कलर को ऐसे नहीं डालना है। देखिए बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है, इस उस टाइम पे आके हम लोग इसमें कलर स्प्रेड करेंगे। पहले मैं रेड कलर डालूँगी और एक जगह पर इसको एक स्पॉट उसमें डालना है ना, ऐसे इसको फैलाना नहीं है, जैसे लाइनें नहीं बनानी, जैसे स्पॉट वो होते हैं ना छोटे डॉट की तरह। ये देखें जैसे डॉट मैंने रेड डाला, इसी तरह डॉट मैं येलो डालूंगी। और दम आने के बाद जब आपको पता चले दम आ गया 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे, इससे ज़्यादा मैं दम नहीं दूँ क्योंकि ऑलरेडी ये पक्के भी होते हैं, सिर्फ इनको जस्ट कलर मिक्स करना है और इनको हिलाना बिल्कुल नहीं है। ये जो बच्चे हैं वो भी मैंने सारा इसमें अच्छी तरह कर दिए, कलर डाल दिए कि ताकि रह ना जाए। अब हम इसको ढक देंगे 5 से 10 मिनट, मैं तो हर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखती इसको दम पर। और देखिए मैंने हल्का सा हिलाया, मैंने छोड़ दिया है। अब मैं इसको ऐसे ही रखूँगी 15 से 20 मिनट के बाद इसको हिलाएंगे, सर्व करने से पहले गर्म रहेंगे, ठंडे नहीं होंगे। और इधर देखिए हमारा चना, देगी चना पुलाव भी रेडी हो गया। उसमें मैं थोड़ा सा जर्दा रंग डाला है, आपको मैंने बताया था सारे मसाले डाले हैं। और अब भी इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको हिलाएँगे और डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत ही चीज़ गेस्ट आई है हमारे घर आज, बच्चों की आप ही अचानक से कहा है मैंने तो ये चीज़ खानी है, उसकी फरमाइश भी मैं आज बनाई हूँ मैंने स्पेशली, वरना आपको मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी खाना हांडी तकरीबन मुकम्मल कर चुकी थी। ये देखिए डिश आउट की कितनी खूबसूरत माशाल्लाह लुक लग रही है। एक साइड पे हमारा देगी चना पुलाव है, एक साइड पे हमारा रेनबो राइस, सैलड रायता हमारा तैयार है। अब सर्विंग के लिए मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं
और देखिए हर कलर आपको अलग अलग, देखिए रेड कलर अलग नज़र आता है, येलो अलग आ रहा है, वाइट एक साइड पे नज़र आ रहा है, ग्रीन। अगर हम उसी वक्त हिला देंगे बिल्कुल खिचड़ी बन जाती है। उसी वक्त मीठे चावलों को कभी भी नहीं हिलाते, ज़रदा हिला सकते हैं इसको नहीं। ये देखें सर्विंग की हमारी माशाल्लाह तैयारी है, और वो लारी भाई हमारे घर, उसने फरमाइश की कि बाजी मैंने ये खाने, उसकी फरमाइश पे मैंने बनाए हैं, उसके फेवरेट हैं दोनों। उसने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी थी और उसने कहा था कि मुझे स्पेशली आप जब खा रहा हूँ आपके अपने बना के लाने हैं, उसकी फरमाइश पे मैंने बनाए हैं। और मेरा तो माशाल्लाह इतनी एक्सपर्ट होगी, मैं इसमें झटपट मेरे बन जाते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।